वक्फ विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध जता चुके हैं। इसी बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वक्फ है क्या। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या उदार के लिए दिया गया धन होता है। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। बता दें कि कोई भी मुस्लिम संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है। यह एक कानूनी इकाई है। प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बोर्ड इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन और संरक्षण करता है। राज्य में बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड होते हैं। इस चीज को लेकर ओवैसी विरोध कर रहे हैं और साथ ही भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि यह जो मोदी कानून लेकर आए हैं, इसमें वह हमारी वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, RSS और बीजेपी देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ विधेयक 2024 को लेकर AIMIM प्रमुख ने कहा, हमारे मुल्क में एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे हमारी जमीनों को हमसे छीन लिया जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहा है, लेकिन वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हमारी मस्जिदों को हमसे छीना जा सके। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि इनकी नीयत क्या है। हमने एक बार अपना बाबरी मस्जिद खो दिया है, अब और नहीं खोएंगे। ये जो कानून PM मोदी लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फ की संपत्ति को छीनना चाहते हैं। इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों को चुन चुन कर बर्बाद किया है। सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोई महाराष्ट्र में कह रहा था कि मस्जिद में घुस कर मारूंगा। देश भर के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जैसे हिटलर के जमाने में यहूदियों पर जुल्म होते थे, वैसे ही आज देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।